हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो इतने दिनों से जिस चीज़ का वेट हो रहा था कि भाई एमटीएस 2023 की जो वैकेंसी है, 14 जून को आपको मिला था इसका नोटिस देखने को कि भाई 14 तारीख से एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 14 जून को कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाए। तब से फिर अपडेट आपको मिली कि 30 जून से होंगे। तो कल 30 जून थी और कल रात से आपके स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरना, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। एमटीएस ने फिर से आपको बढ़िया सी वैकेंसी दे दी है। देखिए, अभी एग्जाम हुए और फिर इन्होंने आंसर की दी है। एक वैकेंसी कंप्लीट करा रहे हैं, तुरंत दूसरी भी वैकेंसी इन्होंने निकाल दी है इन्होंने। तो जल्दी से जाइए, रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है आपकी। तो देखो, सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी पोस्ट है इस बार आपकी। देखिए, एमटीएस की आपकी कितनी है इस बार, 1198 के अप्रॉक्स आपकी एमटीएस की वैकेंसीज हैं इस बार, पोस्ट हैं आपकी। और हवलदार की इसमें कितनी है, ये जो हवलदार हैं इनकी आपकी 360 पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर देखी जाए वैकेंसीज, तो वैकेंसी इस बार थोड़ी कम है, क्योंकि अभी वाली जो 2022 वाली थी उसमें कितना था, 12,500 समथिंग कुछ था अप्रॉक्स आपका। इस बार थोड़ी कम आपको देखने को मिल रही है। हो सकता है कि ये आप रिवाइज्ड कर दें या इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये तो एसएससी के ऊपर है। तो अभी तो आपकी थोड़ी सी कम वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सारा उन्होंने 2022 में ही निकाल दिया, अब उनके पास बची नहीं है पोस्ट ज़्यादा। तो 1198 है, ठीक है। इनमें बढ़ोतरी भी आपकी हो सकती है, यानी बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी 360 हवलदार की है, ठीक है। तो ये बढ़िया सा आपका एक फॉर्म होता है, और आपको पता है कि इस बार पैटर्न भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसा कि 2022 में जो बच्चों ने दिया होगा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि किस तरीके से सिलेबस और पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। सिलेबस तो वही है, पैटर्न चेंज हो गया है कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा आपका। तो आप लोगों को पता होगा भाई, जिन्होंने 2022 का दिया है, कि किस तरीके से आपका इस बार हो रहा है पैटर्न आपका। देखो, सेक्शन 1 हो रहा है आपका और सेक्शन 2 इस बार डिवाइड हो गया है। जो 4 सब्जेक्ट्स थे आपके, जो 4 सब्जेक्ट्स थे, क्या थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इनको क्या कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि सेशन 1 में कर दिया है, सेक्शन 2 में कर दिया गया है। इसमें आपका क्या मांगा जाता है, मैथ्स पूछी जा रही है और रीजनिंग पूछी जा रही है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। और इधर आपका कर दिया गया है सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस, ठीक है, इंग्लिश और जीएस आपका इसमें कर दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि मैथ्स और रीजनिंग, देखिए इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं, 20-20 आएंगे, 3-3 मार्क्स के, ठीक है, वही 60 आने वाले हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये पूरा सेक्शन जो है आपका, ये सब क्या है, क्वालिफाइंग, ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग है। इसमें आपको कोई मेरिट नहीं करनी है कि इसमें आपको एकदम टॉप करना है, सारे ही क्वेश्चन कर डालने हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेक्शन 2 जो है आपका मेन, इसमें आपको कमाल करके दिखाना है, इसमें बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि कट ऑफ जो आपकी बनेगी, मेरिट जो आपकी बनेगी, वो सिर्फ सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग बनेगी, इंग्लिश और जीएस। तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई 25 नंबर आपके इंग्लिश के, मतलब 25 क्वेश्चंस, और इसमें भी 25 क्वेश्चंस, यानी कि 3-3 नंबर के, यानी कि कितने हो गए, 75 75। टोटल आपकी जो मार्किंग होने वाली है, इधर मैं लिख देती हूँ, 150 मार्क्स से मार्किंग होगी, ये आपका मेन रख रहा है, ठीक है। 150 मार्क्स जो हैं आपके, ये मेन है। इसमें आप क्या कितने नंबर लेके आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। देखिए, अभी मैंने जो कट ऑफ बताई थी, अभी देखिए आंसर की परसों आई है इसकी, 28 तारीख को 2022 की आंसर की आई है, और मैंने कट ऑफ भी इस पर बनाई है। कल मैं लाइव भी आई थी कट ऑफ डिस्कशन के लिए, तो कुछ बच्चों से जो मेरी बात हुई और जिन्होंने कमेंट किया, मैसेज किया, तो अभी भी वो एग्ज़ाम दे के आ गए, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं मालूम है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों अलग हैं, और सेक्शन 1 की मेरिट इसमें नहीं जुड़ेगी। वो क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 1 से मेरे इतने नंबर बन रहे हैं या सेक्शन 2 से इतने बन रहे हैं, टोटल मेरे इतने हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनको अभी भी नहीं पता है। तो आपको बिल्कुल हर तरीके से, आप एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं तो बिल्कुल उसके बारे में पता होना चाहिए, भाई सिलेबस आ क्या रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा हमारा। तो ये बेसिक जो है, यही आप लोगों को, कुछ बच्चों को नहीं पता है, जो एग्ज़ाम भी देकर आ चुके हैं और आंसर की वगैरह आ गई, उन्होंने अपने मार्क्स चेक करे हैं, तो वो कह रहे हैं सेक्शन 1 में मेरे दोनों के मार्क्स जोड़ के अपने मार्क्स बता रहे हैं। तो देखिए, याद रखना है, सेक्शन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं बनेंगे। मेरिट में आपके सिर्फ इंग्लिश और जीएस के बनेंगे, जो आपका 150 नंबर का है। 150 में से आपको
मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें कमाल आपको करना है। तो अच्छे से इंग्लिश और जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए, इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है। आपको सिलेबस में तो वही है आपके जो आता है भाई, वो कैब हो गई आपकी, ग्रामर वगैरह, स्पॉटिंग एरर, सिलेबस आपका वही है, बस क्या करा है सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है और दो में बता दिया गया कि भाई इन दोनों से ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये एमटीएस की वैकेंसी थी, बहुत बढ़िया मौका है जिन्होंने 2022 का एग्ज़ाम दिया है और उनका अगर एक दो नंबर से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो तुरंत आपके पास देखिए मौका दे दिया है एसएससी ने कि आपका अगर इधर 2022 में नहीं हो पाया तो 2023 की वैकेंसी भी बिल्कुल थाली में परोस के आपके सामने आ गई है। तुरंत मौका आपको मिल गया है कि अपनी गलतियां सुधारने का, जो चीज़ें आपने इसमें कमी करी थी 2022 में जिसकी वजह से किसी कुन की नहीं बच्चों का सिलेक्शन होने लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो तुरंत आपको मौका मिल रहा है। देखिए कितनी जल्दी मौका मिल रहा है कि अपनी सारी गलतियों को सही करने का, अच्छे से फिर से शुरुआत करने का, प्रैक्टिस करने का, कोई लंबा वेट नहीं करना पड़ रहा है। आपका नोटिफिकेशन आ गया है, फटाफट से इसकी फॉर्म वगैरह कंप्लीट होंगे, फिर एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा, एसएससी इतना टाइम नहीं लेती है। अभी देखिए इसने एमटीएस का कराया, आंसर की दे दी है और बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट भी आपको 2022 का अगस्त तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी थी 2023 की। हाँ, पोस्ट थोड़ी कम है आपकी, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है, बढ़ भी सकती हैं ये आपकी। तो अभी पोस्ट पे फोकस मत करिए, वैकेंसी पे फोकस करिए कि आपको बढ़िया से इंग्लिश और जीएस आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश अच्छी है तो भी काम नहीं चलने वाला है और जीएस अच्छी है तो भी काम नहीं चलने वाला है, दोनों में ही आपको बढ़िया मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक। तो यही आपकी आपकी आज की ड्यूट अपडेट थी जो कल रात आ गई थी, तो मैं नहीं वीडियो कल रात बना पाई थी, तो मैंने कहा सुबह बना दूंगी आप लोगों के लिए। जिन बच्चों को नहीं पता हो कि भाई शुरू हो गए हैं आपके एग्जाम फॉर्म भरना, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, फटाफट से जाइए और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, क्योंकि फिर टेक्निकल इशू हो जाते हैं और बहुत से बच्चों के फॉर्म भरना रह जाता है। और आपको पता है कि हमारी लाइव आज होगी, डेली मैं लाइव क्लास लेती हूँ 7 बजे आपकी 7 PM पर, वोकैब की क्लासेस, तो इंग्लिश आप मेरे साथ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी मैं आपको बिल्कुल एमटीएस की कराऊंगी, आप प्लेलिस्ट में जाइए एमटीएस की, उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, जब तक आप वो करिए, ठीक है। मैं और वोकैब सेशन आपका 7 बजे डेली लाइव होता ही है, और कट ऑफ जो भी 2022 के बच्चे हैं, कट ऑफ डिस्कशन, कट ऑफ ज़रूर देखिएगा। कल मैं लाइव आई थी डिस्कशन करने और आज फिर से 9:30 बजे लाइव आऊँगी डिस्कशन करने, तो लाइव 9:30 बजे कट ऑफ के लिए एसएससी एमटीएस 2022 के लिए ज़रूर आइएगा। उस कट ऑफ डिस्कशन का जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने एक बना रखा है बच्चों का, कि सब लोग मिलकर वहाँ पर अपने मार्क्स शेयर करते हैं और कोई क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिलता है, तो वो ग्रुप की लिंक भी मैंने लगा दी है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर आपको पता है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं कोई क्वेरी आपकी क्वेश्चन रहता है या आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए तो, ठीक है। तो एमटीएस वाले बच्चों कट ऑफ के लिए आप उस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जो 2022 वाले बच्चे अगर जो देख रहे हैं तो आप कट ऑफ के लिए उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, आपका पूरा साथ ज्वाइनिंग तक दिया जाएगा कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो, ठीक है। और दूसरा मेरा ये जो ग्रुप है इसमें मैं अपडेट डालती हूँ, आपका नोटिफिकेशन कोई आया है या मेरी क्लासेस हैं उसकी अपडेट पड़ती है, ठीक है। दोनों ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत बेनिफिट देंगे आपको, बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो ये आज की अपडेट थी, फटाफट से जाइए, एमटीएस की बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं 7 बजे वोकैब की क्लास में, लाइव आना मत भूलिएगा, तब तक देखते रहिए वीडियोस, थैंक यू।